ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। 288 लोगों की इस दुर्घटना में जान चली गई, वहीं हजार से ज़्यादा लोग घायल हैं। अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। रेल हादसे की तस्वीर काफ़ी दर्दनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खुद दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हादसे के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब इस हादसे को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो ट्रेन आपस में टकराई थी उसके लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे में शामिल मालगाड़ी के इंजन चालक और गार्ड इस भीषण रेल हादसे में बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुई कोरमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड घायल हो गए। वहीं दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस गार्ड भी घायलों में शामिल हैं, सभी का इलाज चल रहा है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शाम लगभग 7 बजे ये रेल हादसा हुआ। हादसे वाले दिन कोरमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई जिसमें उसके 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बे दूसरी लाइन पर जा गिरे जिससे दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टक्कर कर गई और उसके भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल हादसा इतना भीषण था कि करीब 90 ट्रेन प्रभावित हुई, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया और कई का रूट डाइवर्ट किया गया है।